अयोध्या में एक मां ने लगाए प्रिंसिपल पर आरोप, छेड़खानी की पीड़िता पर दबाव बनाने के आरोप। प्रिंसिपल ने नकारे सारे इल्जाम। प्रिंसिपल ने कहा झूठ बोल रही है महिला। अयोध्या से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मां अपनी बच्चियों के स्कूल के प्रिंसिपल पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं प्रिंसिपल इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। प्रिंसिपल सबूत देते हुए अपनी बात पर अड़ गई हैं, तो वहीं मां अपनी बातों पर टिकी हुई हैं। ये मामला आपको भी हैरान कर देगा, क्योंकि इसमें एक ओर उस पीड़ित मां की बातें सच्ची लग रही हैं, तो दूसरी ओर प्रिंसिपल सबूतों का जिक्र कर रही हैं। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई छेड़खानी से जुड़ा है। दरअसल एक पीड़िता की माँ के मुताबिक उनकी बच्ची से लगातार स्कूल के पास ही कोई मनचला छेड़छाड़ कर रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उसने बच्ची को हाथ लगाने तक की कोशिश की थी। इस मामले को परिवार ने गंभीरता से लिया और मनचले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पीड़िता की मां के मुताबिक जब उन्होंने स्कूल में शिकायत की तो उन्हें इस मामले को दबाने की सलाह दी गई, डराने की कोशिश की गई कि कहीं उनकी बेटी के साथ अनहोनी ना हो जाए। सब लड़के परेशान कर रहे थे लड़कियों को, तो वो लोग जब छेड़छाड़ किए तो 3-4 दिन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन हमारी लड़कियां आके जब घर पे बताने लगी, ये अभी 29 तारीख से बताने लगी कि मम्मी ज़्यादा मतलब लड़के परेशान करने लगे, हमने बोला ठीक है बेटा क्यों परेशान, चलो हम चलते हैं स्कूल। तो कही कि मम्मी पास, हमने कहा बेटा 30 तारीख को तीज है, अब तीज हो जाने दो उसके बाद हम चल रहे हैं। जब हम कल पहुँचे स्कूल में तो वो लोग पहले से लव लेटर मतलब और वो नंबर सब चीज़ दे चुके थे, उसके कंधे पे हाथ रख चुके थे। लेकिन कल जब वो रिक्शे से आगे आगे बिटियों को हम रिक्शे से भेजे, हम धीरे धीरे पैदल मतलब अपना तेज़ रफ्तार में ही हम भी गए, हम कहें तेज़ रफ्तार से ही जा रहे हैं और वो लोग अपना रिक्शे से। लेकिन रिक्शे से जब वो गई तो रिक्शे से ही उसको हाथ खींचा गया लड़की को, जब तो उसका बल्कि कपड़ा खींचा गया हल्का सा फट गया। तो उसके बाद से फिर ये लोग कहीं मम्मी यही लड़का है, तो वो उतर के तुरंत रिक्शे जब वो खींचा तुरंत वो खींच तुरंत वो पकड़ निकाला, कहीं भैया क्यों आप हमें परेशान करते हो, आप ही क्यों हमको छेड़ते हो। तब तक हम पहुँचे, हम कहें बेटा कौन है, यही लड़का, कहीं हाँ मम्मी यही लड़का है। फिर उसके बाद से जब हम उस लड़के से पूछे, हम बल्कि उसे प्यार से बोले हम क्या भैया यही सब करते हो, तो कहा कि नहीं हम कुछ नहीं करते। उसके बाद से जब हमारी लड़की कही नहीं मम्मी यही लड़का परेशान कर रहा है यही दिन, तब उसको जब पकड़े हैं पकड़ के बहुत हमने मारा। उसके बाद से फिर अब आज जब मैम के पास गए, मैम से बोले कि बताइए मैम आपके स्कूल के सामने ऐसी ऐसी कांड हो जा रही है, तो मैम बोल रही हैं कि आप इस केस शांत कर दीजिए, इसको यहीं दबने दीजिए। अगर मान लीजिए आज ये जेल में जा रहा है लड़का, कल को छूट के आता है, उसके बाद से फिर क्या लड़का एसिड नहीं फेंक देगा आपकी लड़की के ऊपर? केस नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, वो एसिड फेंक सकता है या उसको जान को भी खतरा हो सकता है। आप इसको जहाँ तक हो सके तहाँ तक रफा दफा कर दीजिए, इसको केस को यहीं पर सॉल्व कर। फिर हमने कोई फिर आए कोतवाली में, हम कहे बच्चे को ले चलते हैं गवाही के लिए, मांग बुला रहे हैं तो लोग बच्चे को ले आए गवाही के लिए। उसके बावजूद पीड़िता की मां ने ये तक कहा कि वो अपनी बेटियों को गवाही के लिए ले गई थी, और बच्चियों के लौटने के बाद टीचर्स ने कहा कि ऐसी लड़कियों को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए, ऐसी लड़कियों की जरूरत ही नहीं है स्कूल को। अरे अब कुछ नहीं कहना है, सारा मामला विद्यालय के बाहर हुआ है, उनके परिवार वाले चाहे जो कहें, वो आए जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए एसआर का साक्ष्य लेने के लिए, मैंने तुरंत एसआर का साक्ष्य दे दिया। बच्चों को न्यायालय वो बयान देने के लिए वो आए, मैंने तुरंत बच्चों को भेज दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उनका नाम काट देंगे। आज भी बच्ची नाम की लड़की है, वो आज भी विद्यालय आई थी, आप रजिस्टर देख सकते हैं। और आज उनके घर का कोई गार्जियन नहीं आया था, जो गार्जियन आए थे वो कल आए थे, और वो गार्जियन के साथ वो 3 ऑटो भर करके लोग आए थे मेरे ऑफिस में आकर के, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अभद्रता की है। और मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि मैं बच्चों का नाम काट दूंगी, मैंने बल्कि यही कहा कि मैं बच्चों के साथ पूरी तरह से हूँ और बच्चों का भविष्य आगे सुरक्षित रहे, आप लोग वो कदम उठाइए। कहा उन्होंने, कहाँ से कहा, उन्होंने कहाँ पर सुना है, कहाँ किस जगह पर की कहा है, ये वो बताएं मुझे आकर के, आप उनको इसी समय बुलवा लीजिए। जहाँ पर भी मैंने कहा हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा लगा है, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, आप उनको बुला करके पूछ लीजिए। इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने इन सभी इल्जामों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। मामला स्कूल के बाहर का है, हर जगह कैमरे लगे हैं और वॉइस रिकॉर्डर्स भी हैं। अगर किसी ने भी बच्ची को स्कूल से निकालने की बात कही है तो उसमें रिकॉर्ड होगी।
प्रिंसिपल ने तो ये तक कहा है कि वो बच्ची के साथ हैं और हर तरह से इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर रही हैं। प्रिंसिपल ने ये भी बताया है कि पीड़िता के साथ आए लोगों ने उनसे अभद्रता की है और इस पर प्रिंसिपल काफी नाराज भी हैं। फिलहाल इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो अब जांच का विषय बन गई है क्योंकि ये आरोप काफी गंभीर हैं। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ आजम खान ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।